कोई भी चीज को हासिल करने के पहले, हमें बाहरी दुनिया में झांकने से पहले हमारी अंदर की दुनिया में माइंड में क्या चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। आज हम इसे 3 बी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बी है बिलीफ, अर्थात धारणाएं, मान्यताएं। दूसरा बी है बिहेवियर, व्यवहार। और तीसरा बी है बिकम, यानी बनना। बिजनेस में पीक परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। आइए बिलीफ को पैरेलल थिंकिंग यानी एक चीज को दो तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका है अपॉर्चुनिटी और दूसरा तरीका है ऑब्स्टेकल। अपॉर्चुनिटी के आयाम को एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है, उसका बिलीफ है एक फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर में वो 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ कमा सकता है। आखिर उसके मन में ये विचार आए कहाँ से? ये विचार आते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से। इससे पहले उसने ऐसा कर दिखाया है और उसको अभी यकीन है वो ये कर सकता है, या उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं भी किया है लेकिन उसने देखा है, सुना है, लोगों ने एक साल में ऐसा किया है। पीपल अचीव इन ए ईयर। तीसरा विचार, उसकी पर्सनल गट फीलिंग ऐसा कह रही है ये वो कर सकता है और ये सबसे पावरफुल तरीका है। अब दूसरे एंगल से समझते हैं। इंसान वही है, बस उसके सोचने का तरीका ऑब्स्टेकल माइंडसेट का है। अब वो हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखता है। पहले ऐसे हुआ था तब फेवरेबल कंडीशन थी, अब ऐसे होना असंभव है। अब वो उन लोगों की ओर देखता है जिन्होंने ऐसा किया ही नहीं। जब ऐसी सोच बन जाती है तो यूनिवर्स भी ऐसी ही रचनाएं उसके सामने प्रस्तुत करता है, जिस वजह से उसकी पर्सनल गट फीलिंग, अंतरात्मा ऐसा करने से रोकती है, उसके लक्ष्यों को हासिल करने से रोकती है। उसके मन में डर, आत्मग्लानी, ऐसी नकारात्मक भावनाएं सर उठाती है। इस बात पर कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते? रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते? पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। हमें अगर लक्ष्यों को हासिल करना है तो दूसरा भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके 3 सीक्रेट है। इस टेक्निक को हम अमल में लाएंगे तो क्विक रिजल्ट देख पाएंगे। पहला सीक्रेट है, हमें जो भी हासिल करना है उसके लिए डेली एक्टिविटी करना है, और ऐसा हम करते भी है। लगभग 80% लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे सीक्रेट को अमल में नहीं लाते हैं और वो है डेली रिव्यू। जो लोग अपने लक्ष्यों की डेली समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, वो अपने लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से हासिल कर पाते हैं। तीसरा सीक्रेट है डिकोड द डेटा। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने गत वर्ष में, लास्ट क्वार्टर में, पिछले महीने में क्या हासिल किया है उसका डेटा, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने एज अ डैशबोर्ड होना बेहद जरूरी है। उसे घर में, ऑफिस में, जहां हो सके वहां प्रिंटआउट के स्वरूप में रख के स्वयं को हर रोज मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा भी है बिकम। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, ऐसे विचार हमारे माइंड में आते हैं, पर क्या हम ऐसे विचार सोच पाते हैं? मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो आप फिर सही राह पर हैं, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। अगर नहीं तो इस बात को एनालाइज कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। बिकमिंग स्टेट पर पहुंचने के लिए सबसे पहली स्टेप जरूरी है, वो है ड्रीम ऑफ डूइंग। दूसरी स्टेप है डू द नेक्स्ट बिग थिंग, जो वाकई में लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती। देखिए, आप जो भी कार्य कर रहे उससे लोगों के कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तीसरी स्टेप है डू योर ओन बिजनेस। जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है वो व्यक्ति बाकी लोगों के बनिस्बत ज्यादातर तेजी से तरक्की पाता है। एक सुपर एक्टिविटी और कर सकते हैं, अपने वर्क कम्युनिटी में लोगों की मदद करके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए आज हमने जो देखा है, सुना है, महसूस किया है उसे समराइज करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें हमारे बिलीफ को ऑप्टिमिस्टिक एंगल से देखना जरूरी है। हमारे बिहेवियर ही, हमारे व्यवहार ही हमारी डेस्टिनी को तय करते, तब हम अपने बिकमिंग की अवस्था को पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिए। जियो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूँ,
आपके जैसा। धन्यवाद।